यूपी एमपी में बारिश का अलर्ट, दिल्ली और बिहार में भी बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने दी मॉनसून की नई तारीख। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं गुजरात, केरल, तमिलनाडु, कराईकल में बारिश के लिए मौसम अनुकूल है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी ने जताई बारिश की संभावना। इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक, गोवा, कोंकण, वेस्टर्न यूपी में कुछ इलाकों में हल्की से मीडियम बारिश हो सकती है। वेस्टर्न हिमालय, बिहार के कुछ इलाकों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्की बारिश होने की संभावना है। यूपी के 41 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिन के दौरान 41 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी करते हुए 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान जारी हुआ है। लखनऊ में 19 जून को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। जिन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है उनमें बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती मंडल, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर मंडल, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोंडा में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के तट से टकराकर चक्रवाती तूफान छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव करने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आर्द्रता बढ़ेगी। बिपरजॉय के कारण राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से राजस्थान के जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर जिले अत्यधिक भारी बारिश हुई है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जालौर के बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं और सांचौर शहर में बाढ़ का पानी लगातार आ रहा है। कई गांव बाढ़ की चपेट में है। वहीं जयपुर में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। करीब 12 बजे शहर के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। इसके अलावा अजमेर, धौलपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर सहित कई जगहों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालौर और सिरोही जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और रेड अलर्ट भी जारी हुआ है। पाली और जोधपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह जैसलमेर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, राजसमंद, बीकानेर, चुरू, सीकर, नागौर, झुंझुनू, अजमेर, जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। बिहार में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे अपने पूर्वानुमान में बताया है। रविवार 18 जून को बिहार के नालंदा एवं सारण जिले में आने वाले 2 से 3 घंटों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। उन्होंने इसके लिए नालंदा और सारण को ऑरेंज जोन में अलर्ट किया है। वहीं गोपालगंज और सीवान में येलो अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का मानना है कि कुछ घंटों के भीतर गोपालगंज और सीवान में कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है। ग्वालियर, चंबल में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा और सतना में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 25 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक रविवार से बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। तूफान का असर मध्य प्रदेश में दिखाई देने लगेगा। 21 जून तक इसका असर रहेगा। इस दौरान रेड अलर्ट जारी हुआ है। 50 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से आंधी चलने का पूर्वानुमान जारी हुआ है। 19 से 21 जून के बीच राजधानी भोपाल समेत इंदौर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, रतलाम, सीहोर, बड़वानी, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। चक्रवात बिपरजॉय के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम राजस्थान के गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। इसका असर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। आईएमडी ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों में भारत के कई राज्यों में मौसमी हलचल हुई। पिछले 24 घंटों में कच्छ और सौराष्ट्र में मध्यम से भारी वर्षा हुई। वहीं केरल और सब हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, गुजरात, साउथ राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम की हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज़। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।